नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 के बारे में। हमारे जो समानता के अधिकार हैं, जो हम अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक डिस्कस करते हैं, उन समानता के अधिकारों में ये दो आखिरी अधिकार हैं। इनमें यहाँ पर बात की जाती है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 17 की। तो अनुच्छेद 17 की जो हेडिंग है उसका नाम है अस्पृश्यता का अंत, या फिर जो अस्पृश्यता को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी, उसका अंत। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि इसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। देखिए, चाहे भारत देश हो, चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, उसमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूपों में हमको अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस देखने को मिलती है। ठीक है, इसका काफ़ी पुराना इतिहास है। अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हर समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो अपने आप को उच्च वर्ग बताते हैं और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको वहाँ पर निम्न वर्ग माना जाता है। अब होता क्या है, अब ये जो निम्न वर्ग होते हैं इनको वहाँ पर अछूत माना जाता है। मतलब इनके द्वारा अगर किसी वस्तु को अगर छू दिया जाता है, पानी के बर्तन को छू दिया जाता है, तो उसको वहाँ पर अपवित्र माना जाता है और उसको वहाँ पर फिर उपयोग में नहीं लाया जाता है। कहीं कहीं पर तो इन अनटचेबल लोगों को काफ़ी कड़ी सजाओं का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इसी को दूर करने के लिए भारत का संविधान, क्योंकि सभी नागरिकों को एक समान मानता है, तो यहाँ पर अनटचेबिलिटी के बेस पर किसी से भेदभाव ना हो, इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 17 में एक ही बिंदु यहाँ पर देखने को मिलता है, वो बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 17 घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। निषिद्ध मतलब क्या होता है, मना। ठीक है, मतलब अस्पृश्यता का आप किसी भी रूप में अगर आचरण कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मना किया जाता है। और अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता का मतलब यह है कि जैसे अस्पृश्यता के बेस पर आपने किसी को बोल दिया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप इस बर्तन को नहीं छू सकते, तो आप इसके लिए निर्योग्य हो गए। तो इस तरह की कोई डिसेबिलिटी अगर पहले से लागू है और उसको आप लागू कर रहे हैं, तो ये एक अपराध माना जाएगा और इसको कानून के अनुसार, विधि के अनुसार ये दंडनीय होगा। अब ये अनुच्छेद तो यहाँ पर ला दिया, पर इसको लागू कैसे किया जाए, इसके नियम क्या होंगे? तो अस्पृश्यता का अंत लागू करने के लिए भारतीय संसद ने एक अधिनियम यहाँ पर पारित किया, जिसको हम बोलते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है, ये अधिनियम अस्पृश्यता के प्रकारों और उसके लिए दंड के प्रावधानों की व्याख्या करता है। ठीक है, कि किन किन चीज़ों को हम अस्पृश्यता मानेंगे और किस किस प्रकार की अस्पृश्यताओं के लिए किस प्रकार के दंड के प्रावधान यहाँ पर किए जाएंगे। ये जो अधिनियम है, इसको 1976 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु है, अधिनियम का नाम आपको याद रखना है और 1976 में जो इसका नया नाम रखा गया वो भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। देखिए, अनुच्छेद 18 की जो हेडिंग है वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए, जो भारतीय समाज है वो आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक भी हम देखें तो राजा महाराजाओं का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो राजा महाराजा थे और जो यहाँ पर उनसे संबंधित लोग हुआ करते थे, वो अपने आप को कुछ उपाधियाँ दे देते थे और अपने जो खास लोग होते थे उनको उपाधियाँ दे दिया करते थे, जैसे कि राजा, महाराजा, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियाँ दे दिया करते थे। तो इससे क्या होता था, जो आम जनता थी और जो राजा महाराजा थे उनमें एक तरह का भेदभाव यहाँ पर दिखाई देता था। तो इसी को अंत करने के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 18 जोड़ा गया, जिसका नाम दिया गया उपाधियों का अंत। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पहला बिंदु बोलता है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, मतलब राज्य जो होगा वो किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा सिवाय सेना और विद्या से संबंधित सम्मानों के अलावा। ठीक है, दूसरा बिंदु ये बोलता है कि भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, मतलब पहला बिंदु तो यहाँ पर बोल रहा है कि राज्य नहीं देगा, साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि मिल रही है तो भारत का नागरिक अगर वो है तो वो किसी भी विदेशी राज्य से भी यहाँ पर कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा। तीसरा बिंदु यहाँ पर बताता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है पर राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक भी है जो कि भारत में जैसे कि राजनयिक है या फिर किसी पद पर यहाँ पर कोई कार्य कर रहा है,
तो भी वो किसी विदेशी राज्य से अगर उसको कोई उपाधि मिल रही है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसको स्वीकार नहीं कर सकेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि भारत के नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी लोग हैं, अगर वो भी भारत में कोई कार्य कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उन पर भी ये रूल लागू होगा, ये अनुच्छेद के प्रावधान लागू होंगे। अनुच्छेद 18 का बिंदु 4 यहाँ पर बताता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति से, विदेश से हो चाहे भारत से हो, वो यहाँ पर उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर उपाधियों का अंत कर दिया गया है तो जो पद्म पुरस्कार होते हैं, जैसे पद्म श्री और जो दो अन्य पुरस्कार हैं, साथ ही साथ जो भारत रत्न हैं, तो ये भी तो एक तरह की उपाधि हुए, तो इस पर भी तो रोक लगनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने इनके संबंध में निर्णय दिया था 1996 में कि जो पद्म पुरस्कार है और जो भारत रत्न है, ये संवैधानिक पुरस्कार हैं और इनका जो उपयोग है वो अपने नाम के साथ आप उपाधि के रूप में नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर पद्म पुरस्कार मिल रहा है या फिर भारत रत्न मिल रहा है तो उसको अपने नाम के साथ आगे या पीछे इन पुरस्कारों का नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी इनकी जो वैधानिकता है उसको यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक बताया था। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 17 और 18। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।